हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एंड्रॉयड फ़ोन को एज अ डेस्कटॉप और एक टैबलेट की तरह कैसे यूज़ करना है वो हम देखने वाले हैं। तो ये जो फ़ोन है मैं आपको दिखाता हूँ, ये है रेडमी 12। और इस फ़ोन में कुछ ख़ास चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए इस फ़ोन में जो पहले तो चीज़ ये है कि इसमें जो DPI नंबर है वो ज़्यादा मैक्सिमम सपोर्ट है, यानी कि अगर मैं इसमें 2000 DPI सपोर्ट करता हूँ तो ये 1500 DPI के आसपास ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। यानी कि ये जो फ़ोन है ज़्यादा DPI सेट करने पर भी, यानी कि स्मॉलेस्ट बिट नंबर इंक्रीज़ करने पर भी क्रैश नहीं होता है अदर एंड्रॉयड डिवाइसेस के जैसे। अब मैंने सभी को टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन कई फ़ोन्स में ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि इसमें भी है। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा, देखिए जो ऐप्स का UI है वो कब चेंज होता है। देखिए जब आप टैबलेट पर सेम एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, जैसे कि क्रोम हो गया, तो यही जो क्रोम एप्लीकेशन है आपको टैबलेट पर अलग UI आएगा, ठीक है। और अपने फ़ोन पे यूज़ करेंगे तो सेम एप्लीकेशन है उस पर UI चेंज होगा। तो क्या होता है कि ऐप्स में ही पहले से प्रोग्राम रहता है कि किस डिवाइस पे रन होने पे कैसे UI और इंटरफेस के थ्रू रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो काफ़ी सारी ऐप्स हैं इसमें जो कि टैबलेट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन पर भी। और अगर आपका जो DPI नंबर है फ़ोन के हिसाब से सेट रहता है तो ऐसे ही नॉर्मल वर्क करेगी, जैसे कि आपके फ़ोन में वर्क करती है, जैसे कि ये जो सिक्योरिटी ऐप हो गई, ठीक है। मैं क्लॉक ऐप का UI एक बार आपको दिखाता हूँ, तो ये आप देख लीजिए ऐसे है। क्रोम ऐप का आप UI देख सकते हो, ठीक है, नॉर्मल UI है। यहाँ से नेक्स्ट टैब ऐड कर सकते हैं, तो नॉर्मल सब चीज़ें चल रही हैं अभी अभी। हम ऐसे इसका DPI नंबर चेंज करेंगे तो आप देखिएगा कैसे जो है UI चेंज होता है। गेम को भी हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे क्या होता है। और ये चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके अपने फ़ोन पर ट्राई मत करना अगर आपके पास सेम डिवाइस है ये जो रेडमी 12 वाला, या फिर आपके फ़ोन का डिस्प्ले साइज़ देख सकते हैं बड़ा है। तो जैसे कि देखिए ये जो फ़ोन है ये 5.5 इंच का डिस्प्ले के साथ है, और ये इसका साइज़ देखिए आप थोड़ा, ओके। तो साइज़ इसका बड़ा है, इस वजह से इसमें थोड़ा ये फ़ायदा है कि इसमें बड़ा नंबर DPI नंबर जो सपोर्ट कर सकता है। तो ये चीज़ आपको अपने फ़ोन पे ट्राई नहीं करना है अनलेस आपका जो फ़ोन का डिस्प्ले बड़ा नहीं है तो, ठीक है। आप बस देख लीजिए कैसी चीज़ काम कर रही है। तो करना क्या, सिंपल जाना है अपने सेटिंग्स में अपने फ़ोन के, देखिए, और यहाँ से आपको डेवलपर ऑप्शंस पे जाना है, इनेबल आपको करना है। यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन इनेबल है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में मिलेगा, और ये देखिए, ओके। तो इस पर क्लिक करेंगे और आपको जाना है यहाँ पे, एक ऑप्शन आता है इसमें स्मॉलेस्ट विड्थ, आपको पता होगा अगर आपने यूज़ किया, नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देख लीजिए मिल जाएगा, ये रहा। तो ये आप देख सकते हो स्मॉलेस्ट विड्थ DPI नंबर कितना सेट है, 392, यानी कि 400 के आसपास सेट है। किसी किसी में 500, 450, किसी किसी में 360 आता है, ठीक है। ये डिस्प्ले पे डिपेंड करता है कितना साइज़ होगा। चलिए तो इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ से आपको देख सकते हो आप कीबोर्ड का एक बार UI आप देख लीजिए, और यहाँ पे एक बटन है इसके थ्रू, ओके, इसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए, एक बार UI आप देख लीजिए। और जैसे ही मैं इस नंबर को चेंज करूँगा तो आपको जो इसमें UI इंटरफेस मिलेगा वो चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और पहले हम ट्राई करते हैं, देखिए 2000, ठीक है। तो ये जो DPI नंबर है पहले इसको सेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो डिवाइस है ये मैक्सिमम कितना DPI सपोर्ट कर जाता है, और इसमें ये जो डिवाइस है स्क्रीन जो है क्रैश नहीं होगा। देखिए ओके करता हूँ मैं, और ओके करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए नोटिफिकेशन पहला दिखा देता हूँ एक बार, तो ये आप देख सकते हो कितना UI जो है छोटा सा हो चुका है, बटन्स बहुत छोटे से हो चुके हैं, ठीक। तो ये आप देख लीजिए स्क्रीन टू बॉडी, आप देखिए कितना जो छोटा UI इसका हो चुका है, आइकन छोटे हो चुके हैं, इवन फॉन्ट जो है पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है, दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, कहाँ पर है हमारा ये जो नंबर हमने चेंज किया था, ये रहा, ओके। तो ये आप देख लीजिए, अब जो UI है आप देख सकते हो आप किस तरह का जो UI चेंज इसमें आया है। थोड़ा मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखिए तो आप देख पा रहे हो किस तरह से इसमें जो है UI चेंजेस आए हैं। अब हम यहाँ पे क्या चेंज करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे मैंने 2000 टाइप किया था, लेकिन इस डिवाइस ने क्या लिया है, देखिए 1440, ओके। तो ये मैक्स DPI है इसका, और अच्छी बात यह है कि ये डिवाइस जो स्क्रीन क्रैश नहीं हुआ है, अदर डिवाइसेज जो होते हैं स्क्रीन में जो क्रैश हो जाता है क्योंकि वो DPI को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैक्सिमम DPI इसका इतना सेट है, इसमें पता चल गया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं अपना एक DPI जिससे हमें एप्लीकेशन का UI चेंज हो जाता है, यहाँ पर हमें डेस्कटॉप के जैसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, और टेक्स्ट और जो आइकन्स हैं
वो यूज़ करने लायक होंगे, यानी कि इतना इनफ जो है फॉन्ट साइज़ होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा साइज़ है। चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 800, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया, देखिए। मैं इसको ओके करता हूँ, सेव करता हूँ, फिर आप देख पाएंगे। ओके, तो ये आप देख सकते हो अभी, ये जो टेक्स्ट साइज़ है ये रीडेबल भी है। और अगर आप इसमें टेक्स्ट का जो साइज़ है अंदर से डिस्प्ले से जा कर के चेंज कर लेंगे, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ आप जाएंगे, देखिए डिस्प्ले में, और ये है टेक्स्ट साइज़। तो टेक्स्ट साइज़ जैसे आप चेंज करेंगे, ये स्मॉल पे सेट है और ऐसे कुछ टेक्स्ट साइज़ है अभी, तो इसको आप चेंज कर लेंगे तो काफ़ी हद तक जो है इसमें चेंजेस आपको मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट जो है रीडेबल हो जाएगा, आइकन्स तो शो होंगे ही। चलिए होम स्क्रीन दिखाता हूँ एक बार, 800 DPI नंबर पर कैसा होम स्क्रीन दिखेगा। तो ये आप देख सकते हो, एक मिनट। ओके, तो आप देख सकते हो होम स्क्रीन कुछ ऐसा दिखाई देगा, और कुछ ऐप्स हैं तो मैं ऐप्स दिखा देता हूँ। तो ये वाले जो ऐप्स है एक्चुअली यहाँ होम स्क्रीन से यहाँ आ गए, बिकॉज़ ये जो रेशियो है थोड़ा चेंज हो गया है, कोई बात नहीं। तो आइकन्स आप देख सकते हो, इस फ़ोन में एक चीज़ है कि ये जो आइकन्स है इनका साइज़ चेंज नहीं हुआ। मैंने कई बार ट्राई किया, कोई फ़ीचर नहीं है यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी फीचर नहीं है इसमें आइकन साइज चेंज करने का, इन फ्यूचर अपडेट आ जाएगा तो हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ है, इसके आइकन का साइज़ चेंज नहीं हुआ, स्टैटिक रहे हैं। अदरवाइज इन आइकन का साइज़ भी चेंज हो जाता, छोटे छोटे आइकन्स हो जाते कुछ ऐसे, ठीक। तो अब क्या करना है, हम यूआई चेक करते हैं। पहले आपने देखा किस टाइप का यूआई था, अब मैं आपको दिखाता हूँ नया क्या चेंज आया है इसके अंदर, ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लॉक में क्या चेंज आया है। तो आप देखिए पहले क्या यूआई था और अब आप देख सकते हो। ओके, फोकस शायद आप देख पा रहे हैं, ठीक। तो कुछ ऐसा यूआई आ गया। नेक्स्ट क्रोम ब्राउज़र में मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी सारे ऐप्स में मैंने टेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, कुछ खास चेंज नहीं आता है। जैसे कि ये नोटपैड वाला ऐप देखिए, तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, पहले इसको रीड करने के लिए ओपन करना पड़ता था, लेकिन अब ये इतना विजुअल है, सारे ऐप्स जो भी लिखा हुआ है इसमें वो सब शो हो रहा है, ठीक। तो अब मैं क्या करना है, यूआई चेंज देखते हैं कहाँ पर हुआ है। तो क्रोम ब्राउज़र पर आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, और इसको मैं रोटेट करता हूँ ना, तो आप देखिए ये आप देख पा रहे हो ऐसे कुछ पेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं नए टैब ऐड करने मुझे, तो मैं नए टैब ऐड कर सकता हूँ, मुझे जितने टैब ऐड करने मैं इस तरह से टैब ऐड कर सकता हूँ। और आप देखिए यहाँ पे ये जो होम बटन है इसका और एरो वाला साइन है, तो वो आप देख पा रहे हैं किस तरह का हो गया, बिल्कुल डेस्कटॉप में होता है सेम वैसा ही आइकन वो जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसमें कुछ नए चेंजेस हैं। और आपको टैब स्विच करनी है, टैब स्विच कर लीजिए। मैं यहाँ पे अभी कीबोर्ड कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज OTG मेरे पास अभी माइक्रो USB वाला ही है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें एक जो है USB हब ले सकते हो, उसके थ्रू यहाँ आप इसमें OTG कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो हब कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप माउस एंड कीबोर्ड कनेक्ट कर लीजिए, तो आपका जो ये डेस्कटॉप है मोबाइल पे ही तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कैसा UI जो चेंज हो चुका है, बिल्कुल डेस्कटॉप हो चुका है। ऊपर की साइड से यहाँ से देखिए सेटर कुछ ऐसा दिखाई देगा, और ये आपका क्रोम ब्राउज़र है। इवन यहाँ पे कोई भी आप साइट भी ओपन करेंगे, तो देखिए मैं ओपन करके देखता हूँ कोई भी साइट, डेस्कटॉप साइट आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज जो मोबाइल का UI है वही ओपन होगा। तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप साइट भी चेंज कर दिया है, तो अब आप देखिए जो पेज है वो कैसा ओपन होगा। ऑलराइट गाइस, तो पेज आप देख सकते हो ओपन हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए आप देख सकते हो किस तरह से आपको PC में जो इंटरफेस आता है, सेम इंटरफेस आपको अपने फ़ोन पे मिल पाएगा। सो वो सेम आप चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने फ़ोन पे ही। तो आप देख पाएंगे ऐसा ही पेज आता है, और यहाँ से देखिए सेम ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, टैब आपको चेंज करनी है टैब चेंज कर सकते हो। ये थोड़ा UI अलग आएगा हाँ, लेकिन ये वाले जो पेजेस हैं वो आपको ऐसे ही ओपन होंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो कीबोर्ड लेआउट आप देख पाएंगे, इसमें आपको बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। ये जो कीबोर्ड लेआउट है एक्चुअली देखिए यही सेम कीबोर्ड लेआउट आपको टैबलेट्स पे मिलेगा, ठीक। तो मैं इसको ऐसे करके देखिए, कीबोर्ड लेआउट बहुत हद तक जो है इसमें चेंज हो चुका है, काफ़ी हद तक इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं, ठीक। इसको आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहें तो वो आप सेटिंग से कर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और आप इसको टाइप नहीं करेंगे, यानी कि अगर आप देखिए इसको एज ए डेस्कटॉप में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उसको यूज़ करने के लिए आप कीबोर्ड और माउस इस्तेमाल करिए,
जो कि वायरलेस हो या फिर ब्लूटूथ वाले हो या फिर आप यूएसबी हब यूज़ कर सकते हो। सो गाइस इस तरह से जो है अपने फ़ोन को आप एज अ डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने फ़ोन पे ही टैबलेट यूआई को। और ये फ़ोन सपोर्ट भी करता है, जितने बड़े डिस्प्ले वाले होते हैं फ़ोन्स उनमें मैक्सिमम डीपी सपोर्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन हम चेक करते हैं यहाँ पे गूगल फाइल्स को, तो ये गूगल फाइल्स की ऐप जो है अब आप देख सकते हो पहले से इसका इंटरफेस जो है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। कैसा आप देख सकते हो किस तरह का पेज इसमें ओपन हुआ है। यहाँ से मैं इसको देखिए रोटेट कर लेता हूँ, अगर मैं तो रोटेट में ना कुछ ये पेज ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं कैमरे को फोकस करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख पाएंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे जो गूगल फाइल्स का जो ये लुक है बिल्कुल चेंज हो गया है, जो टैबलेट और डेस्कटॉप मोड जो होता है वैसा दिखाई दे रहा है। ब्राउज फाइल पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आएगा, नर्विस शेयर वाला ऑप्शन कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके बाद सेटिंग्स में जाएंगे तो देखिए नॉर्मल वैसा ही पेज आता है। ठीक, तो ये कुछ यूआई चेंजेस हैं जो कि ऐप्स सपोर्ट करते हैं। तो चलिए अब गेम टेस्ट भी कर लेते हैं। देखिए नॉर्मली तो मुझे इसमें कोई लैग जैसा कुछ फील नहीं हो रहा है, नॉर्मली फ़ोन अच्छे से वर्क कर रहा है मैक्सिमम डीप पे पहुंचने पे भी। ठीक, तो ये कुछ ऐसे पेज हैं। ओके, चलिए गेम टेस्ट कर लेते हैं एक बार गेम कैसा परफॉर्म कर रहा है। और ये आप देखेंगे अब थोड़ी देर में गेम जो है यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। गेम टर्बो का ये आप देख सकते हो थोड़ा सा यूआई चेंजेस इसमें आया है। ठीक, तो ये विंडो कुछ ऐसे ओपन हो गए, छोटे से विंडो हैं इसमें, छोटे छोटे से सारे आइकन्स हो चुके हैं। ओके गाइस, तो गेम हमारी ओपन हो चुकी है और ये देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम जो भी आते हैं वॉल्यूम का यूआई कुछ ऐसा आ जाएगा। पहले अलग आता था, ठीक है, पहले यहाँ सेंटर में आता था, लेकिन आप देखिए ऐसे कुछ यूआई आएगा। और भी बहुत सारे यूआई चेंजेस होंगे जो मैं अभी इस वीडियो में शायद नहीं कवर कर पाऊँ, लेकिन आप जब यूज़ करेंगे तो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। चलिए तो मैं यहाँ पे क्विकली इसको प्ले करता हूँ। देखिए सो गेम का यूआई मुझे ज़्यादा का चेंज नहीं लगा है इसमें, ठीक है, थोड़ा वैसा ही है। और ये आप देख सकते हो सेम यूआई है जैसा कि फ़ोन में होता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे कहीं कहीं चेंज लग रहा है कि हाँ यहाँ पर यूआई चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ें यूआई में अंतर है। और गेम के स्मूथनेस आप चेक कर पाएंगे, अभी मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए क्या गेम लैग करता है ज़्यादा डीपी होने पे या नहीं। देखिए कई केसेस में ये हो भी सकता है क्योंकि जो डीपी नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो इससे सीपीयू का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। और आपकी जो ऐप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्या वो ऐप सच में स्केल अप कर पाती है। अगर नहीं कर पा रही है तो वो सेम डीपी नंबर जो ऐप का रहेगा वो उसी पर रन होती है। ओके, ऑलरेडी गाइस। तो गेमिंग का जो टेस्ट है वो भी सक्सेसफुल रहा, यहाँ पे कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला डिवाइस में, ना ही मुझे ऐसा लगा कि गेम जो है कहीं पे भी ड्रॉप कर रहा है अपने फ्रेम रेट्स को। सो नॉर्मल जो गेम है वो वर्क कर रहा है। और कुछ ऐप्स की मैं बात करूँ तो देखिए अगर आपको लगता है ऐसा कि जो डीपीआई इंक्रीज़ करने से आपके फ़ोन का जो रिफ्रेश रेट है वो उसमें चेंज आया है, अगर आप हाई रिफ्रेश रेट का फ़ोन यूज़ करें तो ये 90Hz को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐप से मुझे 60Hz ही देखने को मिलता है। सो गाइस ये था फुल टेस्ट। अगर आपको इस फ़ोन के और डिटेल्ड फीचर्स जानने हैं जो कि नए MIUI अपडेट होने के बाद आए हैं
और अदर फ़ोन से कुछ नई चीज़ें इसमें रेडमी के फ़ोन में ही, तो आप मेरे चैनल पे जो वीडियोस है आपको मिल जाएगा। और इसमें मैंने काफ़ी सारे इसके नए नए और हिडन फीचर्स भी शेयर करे हैं, तो वो आप वॉच कर सकते हो वीडियोज़ को। ऑलराइट गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।